झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम की बंदगांव प्रखंड के नकटी पंचायत के ऊपर टोला में 50 परिवार चुहा के पानी से प्यास बुझा रहे हैं। गांव में एकमात्र चापा नल था जो पिछले कई साल से खराब पड़ा हुआ है। उक्त चापा नल में सोलर पानी टंकी भी नहीं लगाया गया था, वह भी वर्षों से खराब है, जिसके कारण गाँव की महिला करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में चूहा बनाकर वहाँ से पानी लाकर प्यास बुझा रही है। ग्रामीण आशा चंपिया ने बताया कि हम पानी के लिए तरस रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में पानी की अधिक समस्या होती है। विभाग से आग्रह करती हूं कि एक नया चापाकल की व्यवस्था करें। ग्रामीण बिंदी चंपिया बताती हैं कि गांव में चापाकल व कुआं नहीं रहने के कारण नदी का पानी पीने को मजबूर है। अन्य ग्रामीणों ने पानी की समस्या को बताया, साथ ही पानी के लिए चापानल बनाने की विभाग से मांग की, जिसमें मुख्य रूप से गांव के चंबरो गागराई, मिंजू चंपिया, बिंदी चंपिया, बुधनी गागराई, नामसी गागरई, सोमवारी चंपिया, जदू चंपिया, बुधू चंपिया, मुट्टू चंपिया, प्रेम सिंह गागरई मौजूद रहे। हम लोग के यहाँ चापाकल भी नहीं है और डिबोरिन भी नहीं है, और पहले एक चापाकल था, पानी भी नहीं निकल रहा वहाँ। और हम लोग के यहाँ 50 घर है। तो आप लोग यही चूहा के ही पानी पीते हैं? हाँ, हम लोग यही के ही पानी पीते हैं, चूहा का ही। और किसी का तबीयत खराब होने से यहीं से ही लेते हैं, चूहा का पानी से ही। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का डिब्बोरी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बोलो। हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में, इस तीनों टोला में 50 से अधिक जनसंख्या गांव घर है। हम लोग वहाँ पानी का सुविधा नहीं है, हम लोग चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है, हम लोग नदी का पानी पीते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग नकटी पंचायत के हैं, यहाँ पानी का असुविधा है बहुत। बोलिए, क्या मामला है आप लोगों का? हम लोगों का मामला यह है, कम से कम हम लोग को यहाँ नल चापाकल बना हुआ है, यहाँ पानी एको भी नहीं निकल रहा है। यहाँ हमारा चापाकल भी नहीं है, मंदिर टोला में तीनों टोला है, यहाँ चापाकल भी नहीं, कुआं भी नहीं है। हम लोग या नदी का पानी पी कर जी रहे हैं, यहाँ कोई पानी का कोई साधन नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है सूरी चंपिया। बोलो। अखंड भारत न्यूज के लिए हरि नारायण शर्मा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।